अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी रात के 2 बज रहे थे और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा सोचा आपके लिए चले वो बारिश भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लें। तो आज तो पूरी रात सोया ही नहीं गया। आज हस्बैंड ने सैरी भी बाहर ही की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बस घर पे मैं और 2 बच्चे ही थे जिन्होंने सैरी करनी थी। तो आज मैं उनके लिए कुछ डिफरेंट बना रही थी। फरमाइश आ गई थी उनकी कि हम लोगों ने हॉट डॉग चीज़ ऑमलेट खाना है, तो मैंने सोचा चलिए आप सबके आपके सामने ही ये रेसिपी बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 3 अंडे लिए थे और उसके अंदर मैंने हॉट डॉग कट करके वो डाले थे, और नमक मिर्च जो नॉर्मल डालते हैं वही सब कुछ डाला था। तो ये देखे आपने, ये भी मैं नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मैं मिर्च डालूँगी थोड़ी सी, बस मैंने डाली थी। लेकिन 3 ही एग बनाए थे, वो भी बच्चों से ख़त्म नहीं थे ओढ़े, तो ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर चीज़ वगैरह डलती है ना, मुजरेला चीज़, तो ये काफ़ी हैवी हो गए थे। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था कि जितनी देर में मैं ये हॉट डॉग वगैरह सब मिक्स करूँगी उतनी देर में पैन गर्म हो जाएगा। तो शायद मैंने हॉट डॉग थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे, 3 हॉट डॉग मैंने डाले थे। तो लेकिन इनके स्लाइस बहुत ही मैंने बारीक कट किए थे कि वो जल्दी से जितनी देर में एग फ्राई होगा उतनी देर में वो हॉट डॉग भी उसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाए। अगर आप ज़्यादा मोटे मोटे काट देंगे ना तो वो भी पकेंगे नहीं, कच्चे कच्चे रह जाएंगे। तो उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान हैरियत से गुजरा होगा। सॉरी आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है, अफ्तारी में जूस कुछ ज़्यादा ठंडा पी लिया था इसलिए। तो मैंने इस फूल में ऑयल अपना गर्म किया हुआ था, देख के इतना ज़्यादा ऑयल भी गर्म नहीं था, नॉर्मल गर्म था, ये नहीं कि अंदर जाते सारी वो जल ही जाए पूरा। तो वो एक जो हॉट डॉग था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसको मैंने काफ़ी ट्राई किया था कि उतर जाए लेकिन वो नहीं उतरा। मैंने कहा चलो छोड़ो, उसको उतारते ना बाकी हॉट डॉग मेरे ख़राब ना हो जाए। और आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे रमज़ान के। मैंने यही सोचा था कि जब भी रमज़ान आएगा तो मैं मंथ पूरे महीने इसके व्लॉग्स बनाऊंगी और आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ और कैसे कुकिंग करती हूँ, क्या क्या पकाती हूँ। तो आज हस्बैंड ने ये भी बोल दिया कि घर पर अफ्तारी में भी गेस्ट आ रहे थे, तो उसका भी पूरा मेन्यू का मैं प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि जब तक प्लान ना करे फिर वो नींद भी नहीं आती अच्छे से। तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने अफ्तारी के लिए क्या क्या प्लान किया था। गेस्ट आ रहे थे घर पे अफ्तार पे, तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा है। और अब दूसरी तरफ मैं साथ ही अपना पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। पराठे की पहले भी मैंने एक दफ़ा पराठा बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो उसके लिए भी मैंने पहले उसको तवे को गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं बच्चों के लिए छोटा ही पराठा बनाती हूँ क्योंकि वो अफ्तारी के बाद फिर खाते ही रहते हैं पूरी रात, और 1-2 घंटे ही बस वो सोते हैं, तो इसलिए फिर मैं उनके पराठों का साइज़ थोड़ा छोटा ही रखती हूँ। तो पेरे लेके उसको आप सबसे पहले ऊपर देसी घी वगैरह लगाएं, बच्चों के लिए मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। तो अंदर देसी घी लगा के उसके बाद उसको आटे के अंदर आप एक दफ़ा से थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर लगा लें। तो मुझे कभी कभी वर्ड्स ही नहीं मिलते कि मैं यहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज़ करूँ, इसलिए थोड़ा सा ना फनी हो जाता है। तो उसके बाद बस आप इसके अंदर इसको देखना, ऐसे मैंने प्रेस करके तो इसका मैंने एक रोल सा बना लिया था। उसके बाद बस इसको मैंने बेलना शुरू कर दिया था, तो अच्छा सा क्यूट सा गोल 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 सा ना छोटा सा पराठा मैंने रेडी कर लिया था बच्चों के लिए। ज़्यादा मैंने बड़ा सा पराठा नहीं उनके लिए बनाया था। और दूसरी तरफ मैं साथ ही हॉट डॉग अपने जो ऑमलेट था वो देखना शुरू कर दिया, इसके ऊपर मैंने साथ ही मुजरेला चीज़ डाल दी क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल भी वो पक गए थे ऑमलेट,
तो अब मोज़रेला चीज़ डाल के उसको फिर से थोड़ी देर के लिए कवर करने के लिए रख दूँगी कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो ये मैंने बस 3 अंडे लिए थे और वो इतना हैवी हो गया था, बच्चों से खाया नहीं जा रहा था। बेटे ने तो फिर भी पूरा खा लिया था लेकिन बेटी से नहीं खाया जा रहा था। उसने फिर आधा खा के तो फिर उससे कई मैंने जो इतना आधा वो मैंने हम दोनों ने शेयर कर लिया था। तो ये देखिए ये मैंने 2 पीस इसके रेडी कर लिए, एक मेरा और एक बेटे का और बेटी का। तो ये रहा उनका सहरी, तो काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी मज़ेदार ऑमलेट बना था। लेकिन हम वही कि उसने और मैंने फिर हाफ हाफ शेयर कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी चाय बनाई थी, तो ये मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये कावा पहले से बना कर रखा हुआ, इसको आप एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बादाम पिस्ते कट करके रखे हुए थे, मैंने रात को ही करके रख लिए थे कि मुझे सुबह ये सारे काम ना करने पड़े, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और फिर काम उस तरह से फिर समझ में नहीं आता। तो ये मैंने पूरा एक ना स्पून भर के इसके अंदर डाल दिया था। पहले मैंने उसको फिर बंद करके अच्छे से शेक किया था, मैं शेक करना भूल गई थी। तो ये मैंने मुझे बनाए हुए 2 या 3 दिन हो गए। तो ये एक बस 2 गिलास दूध के अंदर मैंने ये अच्छे से इसको एक पवा मैंने कावा डाल के अच्छे से इसको पकाया था। इसके अंदर मैंने चीनी डाली थी और साथ में बादाम पिस्ता डाल के, तो फिर मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए बस पकने के लिए छोड़ा था कि थोड़ा सा वो जो कावे का वो जो पानी पानी होता है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाए। तो बेटी तो सुबह ये ज़रूर पीती है, वो कहते हैं कि मुझे आप कश्मीरी चाय बना दें, उसको ये बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ा सा हार्ड वर्क है लेकिन अच्छा आपको फ्लेवर आएगा, अच्छा आपको फील होगा इसको पी के। तो बस 2-3 घंटा ही लग जाते हैं बस। तो लेकिन ये है कि एक दफ़ा मैं बना के आप रख ली 2 हफ्ते तक तो ये आराम से गुजर जाता है। उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी कि मैं कौन सा कप लूँ। ये मेरा छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर है, मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है पीने में, और ये कप मेरा बहुत प्यारा वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कप लूँ। फिर मैंने एकदम से सोचा कि चलो मैं अपने अल्फ़ाबेट का ले लेती हूँ कप, लेकिन वो मुझे मिल था रहा, तो मुझे एकदम से लगा कि शायद मेरी हेल्पर ने तोड़ना दिया हो, तो लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने ये वाला कप ले लिया था अपना, ये मैं टाइपो से लेके आई थी, पता नहीं इसको मैं, हाँ मेरे ख्याल से टाइपो का ही है ये। तो मेरे बेटी ने जो है ना वो ऊपर वाला जो स्टारबक्स का कप है वो लेते हैं, मैंने ये देखा काफ़ी कप उठा के उसको ढूंढने की ट्राई की थी लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ये ब्लैक ले लेती हूँ आज। और बेटी ने मेरे वही अपना स्टारबक्स का कप लिया था। तो मुझे कप कलेक्ट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाते हैं किसी स्टोर वगैरह पे तो वो मेरे लिए कप लेके आते हैं वहाँ से। अभी वो हमने थोड़े दिन पहले ही लंदन गए थे तो वहाँ से वो आते हुए मेरे लिए 2 कप लेके आए थे, तो किसी दिन उसमें चाय पीऊँगी। उसमें यह है कि बस जल्दी ठंडी नहीं होती, काफ़ी टाइम लग जाता उसमें ठंडी होने में चाय। तो मेरी अब हमने चाय भी रेडी हो गई है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई पता नहीं क्यों यूट्यूब मेरी वीडियोस आगे नहीं भेज रहा, मेरा पता नहीं चैनल फ्रीज़ हो गया या क्या प्रॉब्लम है चैनल में, क्या वीडियो मेरी पब्लिक हो ही नहीं रही, लोगों तक पहुँच नहीं रही, वही 2-3 व्यूज़ आते हैं और प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही क्या है। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी हो ही जाएगा। ये देखिए ये मेरे फिश टैंक के अंदर वो जो आपको लाइट नज़र आ रही है इनका हीटर है, पहले मैंने आपको कभी भी ये दिखाई नहीं होगी क्योंकि हमेशा लाइट ऑन करके ही मैं आपको फिर अपना फिश टैंक दिखाती हूँ। तो इसके अंदर एक इनका हीटर भी लगा हुआ है कि पानी गर्म रहे, तो मैंने ये लाइट्स वगैरह ऑन करके, क्योंकि इनके भी खाने का टाइम हो गया, इनको भी मैं 5 o'clock सुबह खाना देती हूँ और 5 o'clock ही मैं इनको रात को खाना देती हूँ, 2 दफ़ा इनको मैं खाना देती हूँ। तो बस इसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी चाय लेके उसको इंजॉय करने, तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ सहरी करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो इसलिए फिर आज मैं अकेले ही चाय पी रही थी। तो और बस सुबह सुबह उठते ही सारी मैंने आपको बताया था अपना मेन्यू, तो ये मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था, गेस्ट आने वाले थे तो मैंने सोचा चले घर पे थोड़ा सा मैं बखोर भी कर दूँ, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा चले बखोर वगैरह। ये मैंने स्विस अरेबियन से लिया हुआ, बहुत ही अच्छा, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, इसके साथ परफ्यूम भी था और इत्र भी था, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बखोर है। अगर आप लोगों ने कभी लेना हो तो आप इस कंपनी से ले सकते हैं, ये स्पेशल अरेबिक बखोर है।
तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू लगती है। तो मैंने आज अफ्तारी में मेन्यू सोचा था कि मैं आज चिकन बिरयानी पकाती हूँ, दही बल्ले बनाती हूँ, फ्रूट चाट बनाई थी और मैंने वेजिटेबल पास्ता बनाया था और बाकी वही समोसे रोल और ये जो फ्राई का सारा सामान होता है हमने पकौड़े वगैरह वो बनाए थे। और जूस में मैंने आज थोड़ा सा हमने कुछ नया ट्राई करते हुए आज मैंने रूफजा मोहितो बनाया था तो वो बहुत मज़ेदार बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना ज़्यादा धुआं आ रहा है इसका, तो मैंने दो दफ़ा इसको जैसे ये ऊपर से जल गया मैंने इसको फेंक के मैंने फिर से जो है ना इसके ऊपर बखूर रखा था। तो ये पूरे घर के अंदर माशाल्लाह इसको मैं लेकर घूम रही थी कि अच्छे से सारी खुशबू आ जाए। तो लेकिन अच्छी मैंने सोचा था कि मैं रोज़ ही इसको ना बखूर को घर पर ऐसे ही लेकिन बर्न कर दिया करूँ, थोड़ा सा खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है और मस्कीटो वगैरह का जो मसला है ना तो वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, जो इतने मस्कीटो वगैरह बाइट करते हैं तो धुएँ की वजह से ना वो भी कम हो जाते हैं। इसके बाद मैंने अपना डाइनिंग टेबल पहले ही सेट कर दिया था कि मुझे उस टाइम पर ज़्यादा काम ना करना पड़े जब गेस्ट आ जाए। तो ये आप देख ले मेरा डाइनिंग टेबल, मैंने इसके ऊपर सारी कैंडल्स वगैरह रख दी थी लेकिन लाइट्स मेरी अभी तक ऑन नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन लाइट्स ऑन हो जाएंगी उसी दिन आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी। फिर मैंने ये वॉल के ऊपर जो फ्रेम लगाया हुआ है उसके अंदर भी सारी कैंडल्स थी मैंने वो भी ऑन कर दी थी, लैंप वगैरह मैंने सारे ऑन कर दिए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। चले ये रहा मेरा सारा मेन्यू, चिकन बिरयानी थी ये और साथ में स्प्रिंग रोल और समोसे थे, पकोड़े थे और हरीसा भी आया हुआ था मैंने उसको भी तड़का लगा लिया था, उसके बाद चिकन पास्ता था और ये दही बल्ले और फ्रूट चाट और कैंडल्स इतनी प्यारी लग रही थी पास पड़ी हुई। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।